वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा सऊदी स्ट्रीट फूड बनाएंगे मुतबक वेरी इजी वे में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास 1.5 कप मैदा है और इस ग्लव्स पहन के और आटे को सबसे पहले अच्छे से गूंद लेंगे। वेरी सिंपल वेरी इजी। तो यहाँ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून ऑयल, मिक्स करेंगे। और यहाँ नीम गरम पानी है, इससे हम आटा गूंद लेंगे। आटा जो है वो सॉफ्ट साइड पे हमें गूंदना है। तो इसको गूंदने के लिए मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब इसको बस 2-3 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटा अच्छे से गूंद गया है। इसमें जो फ्यू ड्रॉप्स ऑयल रखा हुआ था ये डाल देते हैं। तो अब इसे हम कवर करके छोड़ देंगे अराउंड 1/4 घंटे के लिए। जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा इतना आटा और भी अच्छा हो जाएगा, एकदम ढल जाएगा। तो चले 1/4 घंटे में मिलते हैं। 1 घंटे के आसपास हो गया है। अब हम इसकी एक झटपट अच्छी सी फिलिंग बनाते हैं। तो एक बोल लेंगे और इसके अंदर अंडे तोड़ेंगे। तो यहाँ हमने 3 अंडे ले लिए, इसको फेंट लेते हैं और अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, इसको मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किया हुआ कीमा। तो ये कीमा मैंने लिया था 1/2 पाउंड और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के और उसको उबाला 20-25 मिनट तक के लिए, जब तक कि इसका पानी पूरा ड्राई नहीं हो गया। थोड़ा सा बचा था उसको भून लिया और कम्प्लीटली ड्राई कर लिया। तो ये बेसिकली मेजर करो तो 2 कप के आसपास है। तो ये उबला हुआ कीमा इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ मेरे पास हरी प्याज है तकरीबन 7, जिसका पूरा हरा वाला पार्ट, तो ये सारा चला जाएगा इसमें। बारीक बारीक चॉप कर ले। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया, 1 टमाटो जिसका बीच का पल्प निकाल लिया है और डाइस कर लिया है, और ये मेरी एक हालोपिनोस थी, 1 ही पेपर है जो कि तेज नहीं है, उसको बारीक बारीक चॉप कर दिया, उसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके अंडे थोड़े छोटे हों तब आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड इसको नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। ये दिख रहा है आपको जैसे इस तरह का। तो ये हो गया, अब इसको किनारे रखते हैं, थोड़ा सा मैस क्लियर करते हैं और आपको 30 सेकंड में मिलते हैं। तो यहाँ देखें असेंबली लाइन लग गई है। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है, यहाँ हमारा अमेजा है, आटा ज़बरदस्त सा हो गया है, ये देखिए सॉफ्ट सा। तो अब एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, बाकी आटे को कवर कर देंगे। हल्का सा कटिंग बोर्ड या फिर जहाँ भी आप बेल रहे हों उस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। और इसको पहले हाथों से थोड़ा सा फैला देंगे और अब इसे रेक्टेंगल बेल लेंगे और बहुत बारीक बेलेंगे,
थोड़ा सा ऑयल इस पर भी लगा देंगे। इस तरह से हाथों से भी फैला सकते हैं। ये देखें आप, कटिंग बोर्ड आपको नीचे से दिखना शुरू हो गया है। इस तरह का हमें बारीक करना है। जितनी शीट बारीक होगी इतना ही ये बेहतरीन लगेगा। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे और थोड़ी रेक्टेंगल ही डालेंगे इस तरह से। और ये अच्छा खासा ये वाला मैंने भर के डाला है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से लेंगे, यहाँ डालेंगे। अब आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, फील फ्री, आपको जैसा अच्छा लगता हो। और अब यहाँ देखें हमारा तवा जो है वो गर्म हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बिल्कुल लो पे मैंने गर्म करने के लिए रखा है। और अब इसको हम डाल देंगे, जो लपेटा हुआ साइड है ना वो नीचे डाल देंगे। फ्लेम जो है मीडियम लो कर देते हैं। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हुआ है, तो इसको थोड़ा सा फोर्क से इस तरह से कर लेंगे ताकि एयर जो है वो पास हो सके। इसको पलट देते हैं। और अगेन सीम साइड डाउन डाल देंगे। और फोक से या टूथपिक से थोड़ा सा होल कर देंगे। अब ये देखें ये साइडवेज भी कर सकते हैं इस तरह से, तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसे भी सेक लेंगे। चलिए ये भी हो गया हमारा। और अब इसके हम पीसेस करते हैं, तो ये चार पीसेस में होगा। तो ये देखें इस तरह से होगा। और ये जो दो बड़े बनाए ना, इसको छह हिस्सों में करेंगे। और इसको सर्व किया जाता है हरी मिर्च और नींबू के साथ। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा इजी वे में मतबक बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इसमें नींबू डालेंगे। खतरनाक। देखें कितनी पतली रोटी है और फिलिंग ही फिलिंग है। ये देखें कितनी पतली और फुल ऑफ फ्लेवर। खतरनाक बनाना बनता है। वेरी इजी, वेरी यमी। बहुत ज़्यादा अंडे नहीं डाले, अदरवाइज हैंडल नहीं कर सकेंगे। जितने ये डाले इतने रहने दें और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।